हाँ जी, तो हमारा सबसे पुराना सवाल जो इस जेई की स्पेयर में रहता है वो है कि क्या अभी भी हम जेई क्लियर कर सकते हैं, राइट? ये क्वेश्चन हर कुछ महीने में हर हर एक बैच का रहता है, ठीक है? कि लेट से 2 साल बचे हैं, तब बच्चा पूछेगा कि अरे यार, मैं तो 11th में आ गया, मेरे फ्रेंड्स तो 9वीं से पढ़ रहे हैं, क्या अब क्लियर हो सकता है? फिर भी बच्चा 11th के बीच में आ जाता है, उसकी 11th आधी वेस्ट हो चुकी है, वो बोलता है क्या मेरा जेई हो सकता है? फिर 12th में आके बच्चा बोलता है यार, 1 साल पूरा खत्म हो गया, अब क्या जेई हो सकता है? और अब आप शायद उससे भी थोड़ा सा आगे आ गए हो, 24 वाले एस्पिरेंट्स की बात करो, थोड़ा सा आगे आ गए उससे, क्या हमारा जेई क्लियर अभी भी हो सकता है? ठीक है, तो इसका एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आंसर अगर मैं सत्य बताऊं तो, ठीक है? देखिए, जेई क्लियर हो सकता है, अब इसकी बहुत सारी डेफिनेशन है। जेई क्लियर करने का तुम्हारे दिमाग में सेंस क्या है? क्या तुम्हारा सेंस ऑल इंडिया रैंक 1 लाना है? क्या तुम्हारा सेंस ऑल इंडिया रैंक 1000 लाना है? क्या आपका सेंस है 10,000 में रैंक आ जानी चाहिए? क्या आपका सेंस है कि हमें कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए, यानी कोई अच्छा कॉलेज हमें मिल जाए, समझ रहे हो, कोई सा भी IIITs, कोई सा भी अच्छा कॉलेज हमें मिल जाए, ये कौन सा सेंस है? ठीक है, हम इन सब की आज अच्छे से बात करते हैं। तो देखिए, एक चीज तो मैं आपको कह देता हूं कि एक होता है ऑप्टिमिज्म, एक होता है रियलिज्म। रियलिज्म ये होता है कि यार हमारी जो एक्चुअल कंडीशन है हम उसमें जी रहे हैं, ठीक है। ऑप्टिमिज्म ये होता है यार कि हम कहीं ऐसी जगह जी रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, जो हम होपफुल हैं। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन हमारे लिए यूजलेस है, दोनों कंडीशन डेंजरस हो सकती है। अगर हम बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म में जीते हैं कि अरे अरे हमारे तो फर्स्ट रैंक आ जाएगी, वो भी डेंजरस है। और अगर आप बिल्कुल ही ऐसे जीते हैं रियलिज्म में कि अरे यार, मेरी तो 11th खत्म हो गई, 12th भी ऑलमोस्ट 1 क्वार्टर हो गई, अब तो कहाँ से सिलेक्शन होगा, वो भी डेंजरस है। क्योंकि यार जीवन में अगर हल्की सी भी होप नहीं होती ना, तो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कोई भी व्यक्ति जो कहीं पे भी पहुंचा है ना, उसने थोड़ा सा रिस्क लिया है, उसने थोड़ा सा खुद पे बिलीव किया है, उसने कई बार ऐसे डिसीजन लिए हैं, ऐसा सेल्फ बिलीफ रखा है जो इरेशनल था, और थोड़ी सी इरेशनलिटी चाहिए होती है लाइफ में, राइट? तो हम अगर बात करें इस लेवल की, क्या आपको एक अच्छा कॉलेज अभी भी शुरू करके मिल सकता है? ये 100% है, बिल्कुल मिल सकता है, ठीक है। आप अगर आज भी शुरू करते हैं, और शुरू करते हैं क्या बात है यार, आप लोगों को थोड़ा बहुत तो आता ही है पहले का, मतलब ऐसा कोई जेई प्रेप ऐसा नहीं होता है कि ग्राफ है कि इट्स इधर अ 0 और इट्स इधर अ 1, ऐसा नहीं होता है। कोई भी चैप्टर या आपकी जेई प्रिपरेशन फेजेस में होती है, स्पेक्ट्रम है, आप धीरे धीरे मेहनत करोगे आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ऐसा थोड़ी होता है कि अच्छा या तो प्रिपरेशन है या बिल्कुल नहीं है, इट्स अ स्पेक्ट्रम, इट्स समवेयर इन द मिडल। हो सकता है आप यहाँ पर हो सकता है आप यहाँ पर हो सकता है, आपको आधी चीजें आती है आधी चीजें नहीं आती है। तो आपको जहां से भी आता है वहां से शुरू करके बिल्कुल कंप्लीशन की तरफ जा सकते हो। अब यहाँ पे एक और पॉइंट मैं बताता हूँ आपको, क्या जेई के अंदर फुल मार्क्स लाने हैं एग्जाम में? नहीं, ठीक है, नहीं लाने। आप अगर इवन 50% नंबर भी ले आते हो जेई एडवांस में, आपको बहुत अच्छी सीट मिल जाती है यार, बहुत अच्छी सीट मिल जाती है, ठीक है, कोई ऐसी डिफिकल्टी की बात नहीं है। और अगर आप जेई मेन में भी 50, 60, 70% ले आते हो, आपको एक ठीक ठाक जगह एडमिशन मिल जाती है, कहीं ना कहीं मिल जाती है एडमिशन, इट्स नॉट दैट हार्ड, राइट? फिर आपके वो जोसा काउंसलिंग वगैरह में राउंड्स होते हैं, बहुत चीज़ें होती है, लास्ट में गिरते पड़ते कुछ ना कुछ मिल जाता है, तो कोई इतना हार्ड नहीं है। आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो शायद यहाँ से, आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो अपने बैच के टॉपर से, आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो अपने 11th या 10th के मार्क्स से, तो यार उससे कंपेयर करोगे तो आपको तो लूजर ही लगेगा भाई। ऑल इंडिया रैंक 1 से कंपेयर करें तो ऑल इंडिया रैंक 2 वाला भी डिप्रेस्ड रहेगा। कल परसों मैंने कहीं तो पढ़ा था ट्वीट कुछ ऐसा कि एक बंदा था, उसकी कॉलोनी में 2 बच्चे थे, एक बच्चे की आई ऑल इंडिया रैंक टॉप 2 डिजिट्स में आई, मतलब लेट से 68 या 70 या कोई सी भी रैंक मान लो, और एक बच्चे की आई 3 डिजिट में रैंक, लेट से 460। तो जो बच्चे की 2 डिजिट में रैंक आई थी ना, वो बच्चे घर में सेलिब्रेशन चल रहे थे और सब लोग उसको खुशियां दे रहे थे, जबकि जिसकी 460 रैंक है वो दुखी था। भाई उसकी 460 रैंक आई है, तुम क्यों दुखी हो रहे हो भाई? तुमने ऑल इंडिया 500 में रैंक निकाली है दुनिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम में, व्हाई आर यू सैड? रेशियो देखो, 500 के अंदर आना आउट ऑफ 10 लाख स्टूडेंट्स हु गिव दिस एग्जाम, कोई आसान बात है क्या? बहुत मुश्किल बात है यार। तो यही है, आप अपने आप को कंपेयर करने लग जाओगे ना दूसरों से, तो आपको कुछ भी कमी लगेगा। आप कोई सा भी कुछ ले लोगे, आपको सामने कोई और निकल जाएगा जिसके पास सबसे बेटर चीज है, तो आप उससे कंपैरिजन वाली फ्रेम में जब तक रहोगे आप जीत ही नहीं सकते, ठीक है। इवन जो व्यक्ति टॉप पे बैठा है उसकी भी लाइफ में कुछ चीजें सही नहीं होती है, ठीक है। तो आप कंपैरिजन वाली रेस छोड़िए, आप दूसरों से अपने आपको कंपेयर करना बंद कीजिए कि मेरी क्लास का टॉपर क्या बोल रहा है, मेरे सर क्या बोल रहे हैं,
ये वो रिलेटिव्स क्या बोल रहे हैं, आपको किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अपना रास्ता पकड़ो, आप जहां पे भी हो, आप यहां पर हो कोई बात नहीं, यहां से बोरिया बिस्तर पकड़ेंगे, जर्नी चालू करेंगे, यहां तक भी पहुंच गए तो भी हमें ठीक ठाक शायद कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ऑप्टिमिज्म से चलो, आप ऐसे मत सोचो कि अच्छा अब IIT बॉम्बे CSE तो गया हाथ से, ऐसा सोचो कि यार तो भाई IIT बॉम्बे CSE सब कुछ थोड़ी है यार, बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे कॉलेज की भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और आप अगर इस तरीके से सोचोगे ना कि भाई यार मेरे को तो ये चीज नहीं मिली, तो आप बाकी की चीजें भी खो दोगे, ठीक है। तो अभी आप जहां पर भी है वहां से खुद को पिकअप कीजिए, ये सब आलतू फालतू सवाल पूछना बंद कीजिए, क्या मेरा सिलेक्शन अभी भी हो सकता है। भाई सिलेक्शन कोई ऐसी चीज थोड़ी है ऑल और नथिंग, बीच में भी तो चीजें होती है। सिलेक्शन का मतलब क्या है, 1000 में रैंक, तो भाई 10000 रैंक वाला क्या पागल है, जिसका NIT अलाहाबाद में एडमिशन हुआ है वो क्या पागल है, नहीं वो भी स्मार्ट बंदा है, उसको भी ठीक कॉलेज मिल गया, वो भी अच्छा कर लेगा लाइफ में, उसकी भी प्लेसमेंट लगेगी, उसकी भी जॉब लगेगी, वो भी स्टार्टअप करेगा और हो सकता है वो इन लोगों से आगे निकल जाए, ठीक है। तो लाइफ कोई ऐसे रेस या वो नहीं है, सिंगल डायमेंशन चीज नहीं है, ठीक है। आप देखिएगा कई सारे IIT के ऑल इंडिया रैंक 1 जो है वो भी रिसर्चर्स बने हुए हैं डिफरेंट कॉलेजेस या डिफरेंट जगह पर, ठीक है। और कोई हो सकता है यहाँ का बंदा है, उसने कोई बिजनेस शुरू किया, वो अच्छा खासा बढ़ गया, या वो छोड़ो यार तुम्हारे बगल अगल में ही कोई ऐसे सर कोई होंगे अंकल जी जिनका कोई किराना स्टोर होगा थोड़े बड़े लेवल पर, वो करोड़ों कमाते हैं साल का, तो वो इस ऑल इंडिया रैंक 1 से ज्यादा कमा रहे एक तरह से देखा जाए तो वो क्या इससे आगे या पीछे हो गए, नहीं, सबकी लाइफ अलग अलग है, सबको अलग अलग चीजें चाहिए होती है। तो खुद को कंपेयर करना बंद कीजिए और आप अपने आप को इस स्पेक्ट्रम पर इवेल्युएट कीजिए, क्या आप अभी भी एक अच्छे कॉलेज में जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो, क्या आप अभी भी IITs में जा सकते हो, ये कहीं ना कहीं IITs वाली टेरिटरी हो गई कि अंडर 10,000 जे एडवांस रैंक, आंसर है यस जा सकते हो। बहुत सारे बच्चे जाते हैं हर साल, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एक साल प्रिपरेशन करते हैं, ड्रॉप ईयर में प्रिपरेशन करते हैं और एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, एंड देयर इज नो रीजन व्हाई यू कैन नॉट डू इट। वो बस मेंटल शिफ्ट आने की जरूरत है आपके दिमाग में, जब वो मेंटल सिचुएशन आ गई ना कि अच्छा यार मेरे को मेहनत करना शुरू करना है, अच्छा यार अपन थोड़ा सा फाइट मार लेते हैं, वो मेंटल शिफ्ट जिस दिन दिमाग में आ गया ना, उस दिन आप सही में आगे बढ़ जाओगे। जो भी दूसरी चीजें हैं ना जो आपका टाइम खा रही हैं, आइडेंटिफाई करो उन चीजों को, जो भी ऐसी ऐपें वगैरह है जो आपका टाइम खा जाती है उनको आइडेंटिफाई करो, उनको रिमूव करो, उन एक्टिविटीज को बंद करो जो आपको लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर रही है। मैं 11th 12th तक सोशल मीडिया पर एक्टिव ही नहीं था, मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव उसके बाद भी नहीं होता। मैं क्यों हुआ, क्योंकि मेरी कहीं ना कहीं एक पॉपुलैरिटी बन गई थी रैंक 1 की वजह से, और मैंने सोचा चलो इसका एक पर्सनल ब्रांड अपन बनाते हैं, और ये जो भी आप देख रहे हो अकैडबूस्ट वगैरह, ये जो भी मैंने एक कहीं ना कहीं आप लोगों की हेल्प के लिए एक पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, एक बिजनेस भी आप इसको कह सकते हो, वो सब चीजें बनी है इसलिए मैं सोशल मीडिया यूज करता हूँ। अदरवाइज आप देखिएगा मैं कहीं भी कुछ पर्सनल बातें मेरी कुछ शेयर भी नहीं करता हूँ, तो ये सब चीजें फालतू है, आपका इन सबसे हेल्प हो रहा हो, जैसे इस चैनल से शायद आपको अगर लग रहा है आपकी हेल्प हो रही है, तो एक तो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना भाई, अगर अभी तक वीडियो देखी है तो मैं शायद अच्छी लगी होगी तो वो कर लेना तुम, ठीक है। तो ऐसी चीजें देखो जिनसे तुम्हारी मदद होती है, जिनसे आप आगे बढ़ रहे हो, वो चीजें करो, फालतू टाइम पास करके क्या मतलब है ना। एक जीवन मिलता है, उसमें जब उचित समय होता है ना तब हम एफर्ट लगा देते हैं तो हम आगे जाते हैं, अगर वो समय निकल जाता है फिर मुश्किल होता है। जैसे एक पेड़ होता है ना, उसके फूल लगने का एक समय होता है, ठीक है, उस फूल के लगने से पहले अगर आप उसमें पेस्टिसाइड और ये वो डाल दोगे तो खराब हो जाएगा, ठीक है, और अगर आप बहुत लेट वेट करोगे ना उसको पिक करने से तब भी वो खराब हो जाएगा, मुरझा जाएगा, राइट। सो राइट टाइमिंग पे स्ट्राइक करना बहुत जरूरी है, अभी आप कोई बहुत ज्यादा लेट भी नहीं हुए हो, कई सारे बच्चे इस टाइम पे ही सीरियस होते हैं और अच्छा कर देते हैं, तो अभी आप कोई लेट नहीं हो और जल्दी तो आप बिल्कुल भी नहीं हो, ठीक है। सो प्लीज स्टडी वेल, आई होप आप स्टडी करेंगे। अगर आपको इस चीज के लिए और हेल्प चाहिए तो हमारा एक JEE 2024 प्रिपरेशन के लिए बहुत ही प्यारा कोर्स भी चलता है, जिसमें मैंने आपका पूरा कवरेज कराया है, ठीक है, उस पर आपको 21 जुलाई तक बहुत ही प्यारा डिस्काउंट मिल रहा है, बहुत ही कम प्राइस पर अवेलेबल है, जस्ट अ फ्यू थाउजेंड रुपीज। अभी फ्यू थाउजेंड रुपीज आपकी IIT की सैलरी के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप जब आगे IIT बनोगे आप लाखों में रुपए कमाओगे, इनफैक्ट आप सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप करोगे ना उसमें भी तो अच्छा कमाओगे बहुत, तो उसके सामने ये सब कॉस्ट कुछ भी नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है, एक इन्वेस्टमेंट करो खुद में, सीखो चीजें। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो कहीं ना कहीं आपको शायद मेरी बातें अच्छी लगती है, तो आपको मेरा पढ़ाई भी और मेरा प्लेटफॉर्म भी बहुत अच्छा लगेगा। सारी चीजें जो कोर्स वगैरह के अंदर चीजें हैं, करिकुलम है, टेस्ट सीरीज, DPP, सब चीजों के सॉल्यूशन सब मेरे थ्रू होकर जाते हैं, सब चीज मैं मॉनिटर करता हूँ पर्सनली, कई चीजें मैंने खुद बनाई है, ठीक है, तो वहां भी बहुत मेहनत डाली है हमने और बहुत ही कम कॉस्ट पर आपकी पूरी JEE प्रेप का हम जिम्मा ले लेंगे, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, कोर्स मिलेगा, आप परचेस करिए, उसमें टिल JEE 2024 वाली वैलिडिटी लीजिएगा, वो सबसे इकोनॉमिक भी सेंस बनाती है और आपका पूरा 24 एडवांस तक कुछ चलेगा। कोर्स में जाइएगा, उसमें आपको सब कुछ 11th प्लस 12th हम डे 1 पर दे देते हैं, ठीक है।
जो चैप्टर कमजोर लगे उसको पढ़ना चालू करो, उसके क्वेश्चंस बनाओ, आपको मजा आएगा एकदम। अब तक 10,000 प्लस बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं एंड यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद द प्लेटफॉर्म विच हैज हिमसेल्फ बीन डिजाइन बाय समवन हु गॉट द ऑल इंडिया रैंक 1 एंड स्टडीड इन कंप्यूटर साइंस इन IIT बॉम्बे CS। वो डिग्री भी मैंने 3.5 साल में कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। तो आपको इससे ज्यादा और क्या क्रेडिबिलिटी चाहिए? लोग बोलते हैं कि ये कोचिंग क्या अच्छी है, भाई और क्या चाहिए तुम्हें कि जो बंदा फर्स्ट रैंक लाया हुआ है खुद वो आपको पढ़ाएगा, ठीक है, वो आपको बताएगा क्या करना है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, एकेडमोस्ट ऐप का लिंक वहां दिया होगा, वहां पे बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज भी है जो काफी काम के हैं आपके लिए, तो वो तो रखनी है आपको ऐप, ठीक है। तो उसमें आप जाएंगे तो नीचे आप स्क्रॉल रोल करेंगे तो J24 कोर्स दिख जाएगा, उस पर भी ऑफ का भी आपको दिख जाएगा, क्लिक करिए, उस पर ऑलरेडी डिस्काउंट लगा हुआ है। ऑनलाइन पेमेंट करिए, आपको उसमें भी सब तरह के ऑनलाइन पेमेंट है, नेट बैंकिंग, UPI सब, ठीक है। पेमेंट करिए, आपको अपने आप पैसे, आप सॉरी आपको अपने आप कोर्स उसी समय इंस्टेंट मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी हो हमारा ईमेल सपोर्ट रहता है, वो बहुत ही प्यारा प्लेटफॉर्म है, मजा आएगा आपको एकदम, ठीक है। सो एनरोल कीजिए, आज से लेके 21 जुलाई तक डिस्काउंट है, वैसे तो आज ही करिए 21 जुलाई तक, क्यों वेस्ट करना अपना टाइम, ठीक है, एंड एक एक मिनट प्रीशियस है क्योंकि। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक, ऑल द बेस्ट।